मेदिनीनगर शहर के पुलिस लाइन रोड स्थित दी अर्बन रेस्टोरेंट का उद्घाटन बुधवार को मेदिनीनगर के विधायक आलोक चौरसिया, डिप्टी मेयर मंगल सिंह, फूड इंस्पेक्टर मनोज कुमार, जीसा अध्यक्ष अविनाश वर्मा, बीजेपी के प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह लौली गुप्ता, माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव, विनोद उदयपुरी ने सम्मिलित रूप से फीता काटकर रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक के साथ सुविधाओं को ध्यान में रखकर रेस्टोरेंट का डिजाइन तैयार किया गया है, जो ट्रेंडी के अनुसार लोगों को काफी सुविधाएं मिल सकेगी और मनपसंद लाइव म्यूजिक का भी लुत्फ शहरवासी ले पाएंगे। मौके पर उपस्थित लोगों के लिए सुर संगम कला केंद्र की ओर से भजन व गजल की प्रस्तुति दी, जिसमें ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, चंदन सा बदन आदि गीतों के संग्रह से लोगों का मन मोह लिया गया। रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर श्रीकांत कुमार ने अतिथियों का स्वागत करते हुए लोगों को बताया कि वातानुकूलित रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए दक्षिण भारतीय के अलावा चाइनीज व्यंजन व कई प्रकार के लजीज व्यंजनों के साथ साथ लाइव म्यूजिक, कैफेटेरिया व लाउंज की सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिसे शहर के लिए एक अनोखा व आकर्षण का केंद्र माना जा रहा है। श्री कुमार ने यह भी बताया कि हमारी प्राथमिकता सदैव उत्तम व बेहतरीन लजीज व्यंजनों का सेवा देना है। दी अर्बन रेस्टोरेंट के मैनेजर सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस रेस्टोरेंट का मेनू प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ग्राहकों के लिए बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस आदि शुभ अवसर पर बुकिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों ने रेस्टोरेंट में परोसे गए व्यंजनों की तारीफ की। मौके पर श्री निशांत सिंह, यशवंत, संदीप गुप्ता, आमिर, प्रदीप, नीलेश मिश्रा आदि उपस्थित थे।